Concerted terror strikes in Jammu and Kashmir in just 12 hours. That too right ahead of the third phase of election kicks in the state. Let's listen in to the latest that we're getting in. The IG of Jammu and Kashmir, Abdul Ghani Mir, giving the details. तो हमारी पार्टी ने उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, जिन्होंने फायर किया और उसमें जवाबी फायरिंग में पहले तो आपने आपको पता ही कि पहले ही एक मिलिटेंट मारा गया, सुबह ही मारा गया दो तीन घंटा पहले, और उसके बाद दूसरा मिलिटेंट यहाँ काउशेड में घुस गया था। तो वहाँ जो है वहाँ से वो फायरिंग वायरिंग कर रहा था, फायरिंग करते हुए जो है वहाँ उसका एक ग्रेनेड भी फट गया, यहाँ से भी कुछ फायरिंग वापस हो गई, तो जिससे काउशेड में आग लग गई और फाइनली वी हैव रिकवर्ड हिज डेड बॉडी आल्सो। वो रिकवर हो रही, आपने देखा वो कुल मिला तो, जो है पांच ये मैं आपको बताऊं कि ये एक इसका इनपुट हमको मिल रहा था श्रीनगर के बारे में, और एक कोशिश कर रहे थे कुछ बड़ा करने के लिए, और ये मैं बधाई देना चाहता हूँ श्रीनगर पुलिस को कि उन्होंने इस अटैक को रोका और इनको दोनों को एक तो आइडेंटिफाई हुआ, उसमें से एक कारी असरार है जो लश्कर का एक बड़ा कमांडर है कारी असरार, और वो आइडेंटिफाई हुआ जो सुबह ही मारा गया था, वो आइडेंटिफाई चूंकि हमारे पास उसकी फोटोग्राफ थी तो उसकी बॉडी से उसकी फोटोग्राफ से वो आइडेंटिफाई हुआ, और बाकी दूसरा भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। तो ये बड़ा कुछ बड़ी घटना करने की फिराक में थे, लेकिन आई वुड कंग्रेचुलेट श्रीनगर पुलिस जिन्होंने इस बड़ी घटना को रोका और इसको इस अटैक को रोकने में कामयाब हो गए, और ये सफलता हमको मिल गई। कुल मिलाकर जो है वैली में पांच अटैक्स आज हो गए, कुल मिला के आज पांच अटैक्स जो है वैली में हो गए, उड़ी के साथ में जो ग्रेनेड ब्लास्ट वगैरह हो गए, तो इससे पांच नहीं, आप पता नहीं आपकी गिनती कमजोर है या मेरी गिनती कमजोर है, ये अटैक्स जहां की बात है कि दो मुख्य अटैक्स की बात नहीं कर रही, पहले तो वो वाला अटैक हुआ जो उड़ी में हुआ, उड़ी में आप जानते हैं कि सुबह से चल रहा है वो उड़ी में, जिसमें वो सभी छह के छह मिलिटेंट जो हैं टेररिस्ट जो है मारे गए हैं, और उसमें हमारे जवानों ने भी कुर्बानी दी है, जेके पुलिस के तीन जवान जो उसमें शहीद हुए हैं और आर्मी के आठ जवान शहीद हुए हैं, तो टोटल जो इसमें कैजुअल्टीज हुए आठ और तीन ग्यारह और छह मिलिटेंट मारे गए हैं, अभी तक वहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आई थिंक बाय एंड लार्ज फायरिंग हैज स्टॉप्ड और बाकी वो सर्च वगैरह चल रहा है। जहाँ तक बात है दूसरी बात है कि त्राल में एक ग्रेनेड हुआ है, मार्केट प्लेस में ग्रेनेड हुआ जिसमें छः सात सिविलियन जख्मी हो गए हैं, दीज आर द ओनली दीज इंसिडेंट्स, तीन इंसिडेंट हैं और बाकी और कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। दिस इज इट, उसमें एक इंसिडेंट ये जो इम्पोर्टेंट है, पीएम का विजिट है ना, मतलब पीएम का विजिट है इसलिए मैं उस परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ कि ये जो ये लोग थे जो श्रीनगर में कुछ घटना करने के फिराक में थे और उसमें तुले हुए थे, इसमें बहुत बड़ी कामयाबी श्रीनगर पुलिस की ये है और जे एंड के पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है कि कई कोई भी बड़ी घटना रोकने में कामयाब हो गए और इन इन दो टेररिस्ट को जो है वो एनिलेट किया और इसको थ्रेट को जो है वो मतलब खत्म किया। मीर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि आपके जो जी फिदायन स्क्वाड थे ये दोनों, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जो थ्रेट परसेप्शन था हमारा और बहुत दिनों से आपकी टीवी चैनल भी दिखा रही थी, कोई कोई टीवी चैनल भी दिखा रही थी, इन्फॉर्मेशन थी, तो वही मॉड्यूल था ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन है कि वही मॉड्यूल था ये जो श्रीनगर में कोई अटैक करने की फिराक में थे। जी रिकवरी क्या हुई सर? रिकवरी उनके पास AK-47 और ग्रेनेड वगैरह हैं, और अभी आपके सामने मैं देख रहा था तो आप लोगों ने पहले कहा कि यहाँ तो रिकवरीज जो है AK-47 हैं और ग्रेनेड्स हैं। जब भी कोई ऐसा बड़ा वाक्य हमें प्राइम मिनिस्टर विजिट होता है तो उसी वक्त जो ऐसे इंसिडेंट सामने को मतलब देखने को मिल रहे हैं, तो मतलब चूंकि आप कह रहे हैं कि आपकी जो फौज है और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो क्या वजूहत है कि मतलब ये श्रीनगर आने वाली, तो आपने इनको सोरा में रोका, क्या वजूहत है कि मतलब ये इतनी मूवमेंट कर पा रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि पहले भी मैंने बताया कि मिलिटेंसी जो है वो खत्म नहीं हुई है, रेजिडुअल मिलिटेंसी बाकी है यहाँ, और जो पहला इंसिडेंट हुआ है वो बिल्कुल बॉर्डर के करीब हुआ है, वो इन्फिल्ट्रेशन नया हो सकता है, अभी उसके डिटेल्स में हम गए नहीं कि वो कहाँ से आए, वो सभी फॉरनर्स हैं या क्या हैं, अभी उसके डिटेल्स में नहीं गए, वो इन्वेस्टिगेट अभी तक नहीं हुआ। जहां तक इनकी बात है, ये श्रीनगर के मुजाफात में सब में देखा गया, चूंकि हमको थ्रेट परसेप्शन जो है वो आ गया था, उसको डेवलप किया और हमने जो ये किया है उसमें इस थ्रेट को हमने
खत्म कर दिया है और इसको जो है दोनों आपने देखा है सामने आपके सामने ये कार्रवाई है। के बारे में कुछ जो पास्ट कुछ अटैक्स में मुलव्वस थे जैसे कारी के बारे में आप कह रहे हैं कि वो कारी पास्ट के कई अटैक्स में मुलव्वस था। अभी चूंकि हम इसी के साथ मैं आपको वो निकाल के दे दूंगा किस किस अटैक में मुलव्वस थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।